सीएम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर जिले में एक ऐसा भी शख्स है जो हर बार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ताल ठोकता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन इस शख्स की खास बात ये नहीं बल्कि इसका चुनाव प्रचार करने का तरीका है जिसे देखकर हर कोई हैरान परेशान रह जाता है। सरकार के नीतियों का ही सत्य है, भ्रष्ट व्यवस्था का ही सत्य है, राम नाम सत्य है, भ्रष्ट अधिकारियों का ही सत्य है। हो भी क्यों ना, आखिर ये शख्स चार कंधों पर जो सवार होकर सरकारी कार्यालय में चुनाव का पर्चा भरने जाता है। जी हाँ, ये शख्स बिल्कुल अर्थी की तरह ही चार कंधों पर अपनी सवारी निकालता है जिसे देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये शख्स कोई और नहीं, गोरखपुर के रहने वाले अर्थी बाबा हैं। एमबीए पास राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा हर बार की तरह इस बार भी 2022 विधानसभा चुनाव में कुछ नया करने वाले हैं। 13 बार चुनाव लड़ चुके अर्थी बाबा इस बार भी विधानसभा चुनाव की हुंकार भर रहे हैं। लेकिन अर्थी पर लेटकर चुनाव पर्चा दाखिल करने से लेकर शमशान पर चुनाव कार्यालय बनाने वाले अर्थी बाबा का इस बार का विधानसभा चुनाव का मुद्दा बेहद खास होगा, क्योंकि इस बार अर्थी बाबा चुनावी मैदान में सेनेटरी पैड्स का मुद्दा लेकर आ रहे हैं। यूपी चुनाव में सेनेटरी पैड्स का मुद्दा उठा रहे अर्थी बाबा का कहना है, करोड़ों अरबों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देने वाली सरकार लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क सेनेटरी पैड्स नहीं उपलब्ध करा सकी जिससे लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और जागरूकता के अभाव में महिलाएं आज भी पैड के इस्तेमाल से वंचित हैं। बता दें, गोरखपुर के नंदानगर कूड़ाघाट के रहने वाले धनपत यादव के बेटे राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा ने एमबीए की पढ़ाई की है। साल 2007 में वो पहली बार राजनीति में आए और पिपराइच सीट से विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे। तब से लेकर आज तक ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जिसमें उन्होंने अपनी किस्मत नहीं आजमाई। राजन यादव के चुनाव प्रचार के तरीकों से लेकर उनके चुनावी मुद्दे भी अजीबोगरीब होते हैं। यही वजह है कि राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। चुनाव लड़ने के अलावा अर्थी बाबा अलग अलग मुद्दों को लेकर आंदोलन करते भी नजर आते हैं। अर्थी बाबा की सबसे निराली बात यह है कि वो चुनावी मैदान में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के खिलाफ भी उतर चुके हैं, चाहे वो 2009 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो या फिर 2014 और 2019 में वाराणसी से पीएम मोदी तक के खिलाफ हो। इतना ही नहीं, अर्थी बाबा ने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ भी लखनऊ से ताल ठोकी थी, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया, जिसके बाद उन्होंने 2019 में वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। हालांकि अब तक सभी चुनावों में उन्हें हार के अलावा कुछ भी नसीब नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब अर्थी बाबा ने देश के राष्ट्रपति चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा डाली। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के खिलाफ भी उन्होंने दावेदारी ठोकी थी, लेकिन 100 प्रस्तावक नहीं मिलने से वो चुनावी मैदान में नहीं आ सके।